अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़हीम राव आपका दोस्त। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको टेक्सटाइल क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आज की वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे कि स्टिचिंग इन लाइन में कौन कौन से फॉल्ट ज़्यादा आते हैं। तो जो दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारी हर वीडियोज़ बहुत ही अहम और मालूमती होती है। तो दोस्तों, स्टिचिंग इन लाइन में फॉल्ट की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये प्लानिंग की है, सोचा है कि हम आपको थोड़े थोड़े करके कम से कम फॉल्ट दिखाएं, ताकि आपको अच्छी तरह से फॉल्ट याद हो जाए। तो आज हम आपको चार फॉल्ट या पांच फॉल्ट के बारे में बताएंगे। नंबर वन ओपन सीम, और नंबर टू अनइवन हीम, नंबर थ्री रन ऑफ स्टिच, और नंबर फोर स्लॉटेड लेबल। ये चार फॉल्ट हम आपको बताएंगे जो कि आपने याद रखने हैं, और ये इन लाइन में फॉल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, मैं फॉल्टों को आज आपको इस वीडियो में फॉल्ट को दिखाऊंगा भी, लिहाजा आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाए। जो दोस्त क्वालिटी डिपार्टमेंट में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, या जो दोस्त क्वालिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, या जो दोस्त इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जा सकता है फॉल्ट के बारे में। चलो आइए, अब हम आपको फॉल्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको फ़िज़िकल फॉल्ट दिखा रहा हूं, तो आप ये गौर से देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। सबसे पहले फॉल्ट है ये ओपन सीम। ओपन सीम, ये देखें, आपको ये सिलाई ओपन हुई हुई है। नंबर टू है अनइवन हीम, ये आप देख रहे होंगे कि इधर से हीम का साइज़ हाफ इंच के करीब है, और इधर से आके हीम छोटी हो गई है, यानी कि अगर हीम एक जैसी ना हो तो इसको हम अनइवन हीम बोलते हैं। ये दो फॉल्ट आपने अच्छी तरह देख लेने हैं। अब आते हैं हम तीसरे फॉल्ट की तरफ। ये देखिए, ये फॉल्ट है डबल स्टिच, मैंने लिखा भी हुआ है, दो सिलाइयाँ लगी होंगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल स्टिच। और नंबर फोर पे है रन ऑफ स्टिच। रन ऑफ स्टिच का मतलब है, अगर आप पाउच बना रहे हैं या कोई भी ऐसा आर्टिकल बना रहे हैं जिसपे कोई एक्स्ट्रा चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे इस पर देखिए ये वेलक्रो इस्तेमाल हो रही है, तो ये सिलाई यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए थी वेलक्रो के कॉर्नर पर, लेकिन ये आगे निकल गई है, तो इसको हम रन ऑफ स्टिच बोलेंगे। नंबर फाइव पे आ गया स्लॉटेड लेबल। ये ऐसे लेबल टेढ़ा लगा होगा तो हम इसको स्लॉटेड लेबल बोलेंगे, लेबल सीधा लगा होना चाहिए। दोस्तों, यकीनन आप लोगों ने फॉल्ट देख लिए होंगे, अब इनको अच्छी तरह ज़ेहन नशीन कर ले। फाइव फॉल्ट हमने दिखाए हैं, ये इन लाइन स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं, ये आपने केयरफुली रहना है ड्यूटी करते हुए। तो जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।